चलो चलो आगे का देखो। What does it mean by tense? Tense. It tells the mode and state of action. State of action. It is of three types. इसे काल भी कहते हैं। ये काल की स्थिति को दर्शाता है। Three types. That is present, past, future. Present के चार टेंस हैं, past के चार टेंस हैं और future के भी चार टेंस हैं। Present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Past indefinite, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. सही है? So past perfect continuous, future indefinite. वही सभी में आएंगे. Future continuous, future perfect and future perfect continuous. कितना नोट करो, चार चार सकते हैं. Indefinite continuous, हाँ सब में चार में वही. जाता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका हूं, मैं दो घंटे से जा रहा हूं, जा रहा हूं या पढ़ रहा हूं. इसमें समय दिया रहता है. परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या दिया रहता है? टाइम. मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा चुका हूं, मैं दो घंटे से जा रहा हूं. ठीक, इतना नोट करो. नोट किया इतना? इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट देखो. अविश, मैंने पढ़ा, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ चुका था, मैं दो घंटे से पढ़ रहा था. मैंने पढ़ा, मैं पढ़ा, ठीक है, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ चुका था, मैं दो घंटे से पढ़ रहा था. मैं दो घंटे से पढ़ रहा था. दिव्यांश इसका बताओ. फ्यूचर इंडेफिनिट. मैं पढ़ूंगा, बोलो. मैं पढ़ूंगा. फिर मैं दो घंटे से पढ़ रहा हूँगा या मैं दो साल से जोधपुर में रह रहा हूँगा. मैं कल दो घंटे से पढ़ रहा हूँ. जो बोर्ड पे इसी को उतार के दिखाओ. लिख लेगा, लिखना पड़ेगा ना. फिर इसी टेंस को हम समझाएंगे, इसकी इंग्लिश समझाएंगे.
पढ़ता हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ चुका हूँ, दो घंटे से पढ़ रहा हूँ, रहा रहा दोनों में से मैं समझा देता हूँ, रहा रहा यहाँ है, रहा रहा यहाँ है, रहा रहा रहूंगा तो दोनों बस यार दो घंटे लगा देना, फर्क क्या है, देख लो मैं पढ़ रहा था, मैं दो घंटे लगा देना, क्या फर्क पड़ता है, नहीं समझ आया, पहले वाले को बताओ चारों में याद करा देता हूँ, बता दो पहले चारों टेंस बताओ कौन कौन से, प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट, नहीं प्रेजेंट के चारों बताओ ना, प्रेजेंट के बताओ, चारों बताओ, समझी नहीं पा रही, पास्ट का मतलब भूत का, जो हो गया, भूतों से नहीं रहती हो क्या, भूत चला गया, वर्तमान का दिव्यांश बताओ पास्ट में, सर मैं पढ़ चुका, पढ़ चुका नहीं, कमरा बोलो चलो पास्ट के, चारों का नाम बताओ, पहले परफेक्ट बोलो फिर परफेक्ट, अब बोलो चारों के, मैं पढ़ चुका था, मैं दो घंटे से पढ़ रहा था, रहा था इन दोनों में सेम है, यहाँ और यहाँ रहा था रहेगा, यहाँ और यहाँ रहा हूँ रहेगा, सही है, आप भी बोलो पास्ट के चारों के नाम और चारों में कौन बोलते, इनडेफिनेट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, बताओ चारों में, मैं पढ़ रहा, पढ़ा, मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं मैं पढ़ चुका था, यहाँ चुका होता है, चुका है लिया है, चुका था लिया था, चुका होगा लिया, मैं पढ़ चुका था, मैं दो घंटे से पढ़ रहा हूँ, कहाँ से आ जाए, ये था वाली पूरी लाइन तुम अपने मन से हूँ लगा रहे, हूँ वाली तो ये लाइन, ये गा वाली लाइन है, ये था वाली लाइन है, ये है वाली, आप बोलो पास्ट के चारों के नाम और चारों के, म्यूट करो आवाज, मैंने पढ़ा, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ चुका हूँ, कहाँ से आ गया, था वाली लाइन में हूँ भी लगा रहा, मैं पढ़ चुका था, मैं दो घंटे से पढ़ रहा था, हाँ फ्यूचर के बताओ मंगल चारों, इंडेफिनाइट कंटिन्यूअस प्रेजेंट, प्रेजेंट का लगा दिया, फ्यूचर प्रेजेंट लगा, अगला चलो बोलो बोलो सर, कंटिन्यूअस प्रेजेंट, कंटिन्यूअस प्रेजेंट नहीं होता, इंडेफिनाइट कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं पढ़ चुका था, फ्यूचर है भाई, फ्यूचर तो था, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ जाऊंगा अभी कोई कह रहे फ्यूचर पास्ट, फ्यूचर पास्ट जादू कर रहे हो क्या, मैं पढ़ूंगा जब कल तुम आओगे तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, जब कल तुम पहुंचोगे मेरे घर मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं दो घंटे से कल पढ़ रहा हूँ क्योंकि कल मेरा एग्जाम है, मैं
पढ़ रहा हूँ। बोलो चलो, हाँ बोलो, इनके हिंदी बताओ फ्यूचर के। मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं दो घंटे से पढ़ रहा हूँ। चलो फ्यूचर के चारों के नाम बताओ, चारों की हिंदी बताओ। दो घंटे से जो परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय दिया रहता है, परफेक्ट में काम पूरा हो चुका है, काम पूरा हो चुका है वर्तमान में। मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका था, मैं पढ़ चुका होऊंगा। बोलो बात समझ आ गई? ठीक है, इसी तरीके से देखो कंटिन्यूअस में क्या होता है बताओ। कंटिन्यूअस में मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा होऊंगा। परफेक्ट में बताओ, मैं जा चुका था, मैं जा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका था, मैं पढ़ चुका हूँगा, यही हूँ था होऊंगा ही रहेगा। लेकिन इसमें रहा है और इसका टेम्पलेट क्या है? देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं इसमें समय दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। मैं दो घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं दो घंटे से पढ़ रहा, मैं दो घंटे से पढ़ रहा हूँगा। फिर से देखो, प्रेजेंट इनडेफिनिट, इनडेफिनिट का मतलब है सिंपल प्रेजेंट, इसको सिंपल भी कहते हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ा, हाँ नहीं आता है, मैं पढ़ूंगा। बात समझा ले? अब यहाँ लिखो, ये तुमने कौन सा बनाया? क्या ये प्रेजेंट है? Yes, sir. ये पास्ट है? Yes, sir. और ये क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर यही लिख के दिखाना है। वो टेबल बना लो, वही बनानी है, वो बनानी है, उसी के ही नाम है। दोनों एक ही चीज है। ये लो ये कौन सा टेंस है निपुण बताओ? इधर से ये उठाओ, उधर से पास्ट परफेक्ट, समझ आ गया? ऐसे ही तो होता है। चलो अब यार देखो भाई, जमा करो तो आगे की बात करें। यहाँ पर क्या है बताओ? जाता है, ठीक है, गया, हाँ इसी तरह ना पूरे पेज बनेगा। जाएगा, जाता है, वह जाता है,
वह गया वह जाएगा। इसके बाद जा रहा है, ये बताओ श्रद्धा, पास्ट कंटिन्यूस। मैं तुम्हारा ही सही बताओ, जा चुका होता ही नहीं, कंटिन्यूस रहा के लिए होता है। जा रहा हूँगा। अच्छा ये जो परफेक्ट होता है ये चुका के लिए, बताओ। मैं जा चुका हूँ या जा चुका है, वह जा चुका है, ये बताओ। मैं जा चुका था। रिद्धि ने सही बताया, मैं जा चुका हूँगा। मतलब जब जब कल तुम मेरे घर आओगे तो मैं स्कूल जा चुका हूँ, जब कल तुम मेरे घर आओगे तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, मतलब स्कूल के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है। मैं कल स्कूल जाऊँ, इतनी बात समझाई। इसमें समय रहेगा और समय के साथ रहा भी रहेगा, बताओ जरा दीदी। परफेक्ट प्रेजेंट है, वह दो घंटे से जा रहा है। वैसे जा रहा है वर्ड बनता नहीं है, तो दो घंटे से पढ़ रहा है, वो दो घंटे से जा रहा था, जा रहा है भी बनेगा नहीं सेंटेंस। लोग सोचेंगे दो घंटे से कैसे जाया जाता है, दो घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है, ये क्या बनेगा होता है, वो दो घंटे से जा रहा था। वह दो घंटे से पढ़ रहा था। ये बताओ वह जा रहा था, वो दो घंटे से पढ़ रहा था। वह दो घंटे से जा रहा था, नहीं वो दो घंटे से जा रहा में सेंस नहीं सर, वह दो घंटे से पढ़ रहा होगा, वह दो घंटे से पढ़ रहा होगा, दो घंटे से पढ़ रहा होगा, जा उसके कमरे में, वो दो घंटे से पढ़ रहा होगा, पता नहीं मोबाइल देख रहा होगा, क्या कर रहा होगा। अब जरा देखो, इतनी बात समझ आ गई, जा रहा है, इसकी हेल्पिंग वर्ब मंगल क्या होती है, जा रहा है, इज आर एम, क्या होती है, इज आर एम, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, एम को, आई एम गोइंग, अच्छा, मैं जा रहा हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देखो इज और आर एम सब बताना, He is going, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, You are going, I am बहुत अच्छा, He is writing, We are going, मतलब मैंने तीनों लगा दिए इज आर एम, सही है। अब अगली बार ही आओ, जा रहा था कि अभी शेल्पिंग वर्ब बताओ दोनों, जा रहा था सर, सारे क्लियर, He is कौन सी फॉर्म लगेगी बोलो, ये सही बता रहे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे, इसका मतलब है अभी इसको मालूम है बस की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सभी में लगेगी, सिर्फ इसकी वाज वाले, तो जरा एक वाज पे बनाओ, एक वर्ड पे बनाओ, ही वाज गोइंग की हिंदी क्या है, दे वर गोइंग, ही वाज गोइंग हिंदी बताओ, वो जा रहा सर, दे वर गोइंग, वो जा रहा था, वो जा रहा था, ही वाज गोइंग, वो जा रहा था, ही इज गोइंग, वो जा रहा था, देवर गोइंग वे जा रहे थे, सही है। अच्छा अब एक और चीज है, जा रहा होऊंगा, मैं कल स्कूल जा रहा हूँगा, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, ये ज्यादा अच्छा बताना है, तुमको तो पूरा ही आता है, विल बी और
shall be. और वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट प्लस आई एन जी ऊपर लिखा. तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट प्लस आई एन जी. विल बी बताओ जरा. बहुत अच्छा, तुम तो बहुत अच्छा बताओ. आप भी बोलो. विल बी और शैल बी लगा के बोलो. वो जा रहा होगा और ठीक है. ही के साथ विल लगाओ. ही विल बी गोइंग और शॉल. आई शॉल बी गोइंग. देखो ये शॉल है या शैल है, दैट इज आई और वी के साथ ही लगेगा, बाकी सबके साथ ही. सही है. अच्छा कितनी बात तुमने सुनी है? हैं यू पे, सब पे, सब पे. ये बाकी सब नहीं है. अदर्स आई और वी शैल हैं. आई और वी में शैल. हाँ, अब ध्यान दो. जा चुका है, जा चुका था, जा चुका होगा. कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ. इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. अच्छा इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज हैव. क्या तुम मुझे बताओगे शेयर इसकी हैज किसके साथ लगेगा और हैज किसके साथ लगेगा? हैज किसके साथ लगेगा? ही हैज गॉन. किसके किसके साथ? दैट इज सिंगुलर. सिंगुलर्स के साथ. और ये आई यू और प्लूरल के साथ. ये सभी सिंगुलर्स के साथ. ये किसके साथ लगेगा? आई यू और प्लूरल. और ये ही शी और सिंगुलर. अच्छा इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म. प्रभात बोलो इसका. हैज और हैव लगा के क्यों बनाओ जरा. हैज का मैं बता रहा हूँ. वह जा चुका है. जरा अब तो बनाओ. वह जा चुका है. बनाया है तुमने. तुम्हें अभी मैं चेक करके दिया हूँ कॉपी. तुमने उसे बनाया इसीलिए पूछ. प्रियांशु बोलो. वह जा चुका है. देखो ये अच्छा बताया. इन्होंने यहाँ से उधार लिया. जब इनके यहाँ कोई मेहमान आता है तो चाय पत्ती यहाँ से लेते हैं, चीनी यहाँ से उधार लेते हैं, दूसरों से हेल्पिंग वर्ब मांग रहे. जैसे कि ये भिखारी बना बैठा, इसी की हेल्पिंग वर्ब लेनी चाहिए थी. हाँ बोलो. He has gone. देखो तीनों सही किया. यहाँ से हेल्पिंग वर्ब भी, यहाँ से थर्ड फॉर्म भी. Go went gone नहीं. Yes. क्या दिया बोलो? He has gone. अच्छा अब तुम मुझे ऐसा बताओ रिद्धि जिसमें have लगता हो. I have. बहुत अच्छा. I have. अच्छा राम के साथ अभी इस बनाओ. राम have gone. क्योंकि वी प्लूरल तो क्या हो जाएगा? वी हैव गॉन. चलो श्रद्धा बॉयज के साथ बनाओ. ये जान ही नहीं पा रही कि बॉयज प्लूरल. ये सोचे बॉयज सिंगुलर होगा. बहुत सारे लड़के तो एक वचन होते हैं. लड़कों की क्या वो होती है? एक ही तो होंगे. मिल भी जाए तो हमसे ज्यादा शक्तिशाली. हाँ बॉयज के साथ बनाओ. बॉयज के साथ. बॉयज हैव बॉय के साथ बनाओ क्योंकि बॉय एक है. गर्ल्स के साथ बनाओ. ये समझी नहीं पा रही. गर्ल्स को बहुवचन का मतलब बहुत से लोग. गर्ल्स के साथ बनाओ. गर्ल्स हैव गॉन. चिड़िया बहुत सारी चिड़िया उड़ चुकी हैं. बर्ड्स हैव गॉन. बर्ड्स हैव गॉन. बर्ड्स के साथ बनाओ. बर्ड्स हैव गॉन. ये बात ध्यान रखना है प्लूरल है. पहचान पाते हो? देखो इन्होंने कहा गलती की. इन्होंने कहा बर्ड्स हैज. तो क्या इनके मन में बर्ड सिंगुलर है? देखो ये सोचे सिंगुलर होगी बर्ड तो हैज लगा दें. बर्ड्स हैव फ्लोन. बर्ड्स प्लूरल है. अब प्लूरल में क्या लगता है? हैव फ्लोन. फ्लोन. अब ये बताओ अगर एक बर्ड है रिद्धि, अभी अगर ये बता देंगे तो मैं जानता हूँ. अगर एक है तब हैज लगाना. ठीक है अब देखो जा चुका था में हेड लगेगा. जा चुका था में क्या लगेगा? हेड.
एड वर्ब हैड और वर्ब की कौन सी फॉर्म थर्ड आप इस बताओ ही हैड वन ही हैड वन एड गॉन गॉन बी बी के साथ ही हैव कितनी बार समझ आ गई अच्छा जा चुका होगा कि बताओ जितने कॉलम्स हैं हर एक को बोर्ड पे बुलाया जाएगा एक एक कॉलम सबको फिल करना होगा तीन लड़के खड़े होंगे फिर हर एक कॉलम के लिए एक व्यक्ति रहे ऐसे ही लिखना जो है चलो इसका बता दो बेटा जा चुका होगा सर आई हैव बीन आई हैड गॉन विल हैव शैल नाउ वी हैव आई शैल हैव गॉन Will have और क्या होगा बोलो Shall have मंगल बताइए Will have का लगा बताओ वहाँ लिखा है I और V के साथ ही shall लगाना हाँ सर बनाओ जरा और verb की कौन सी form He will be gone और He will be gone He will be gone He will be have gone और बताओ एक shall I shall have gone I shall have gone They shall have अब तुम्हारे पास दो टेंस है बोलो पहले ध्यान से इसको पहले उतारो अपनी कॉपी में फिर उसके बाद आप लोग चले जाएंगे इनको इनाम मिलने वाला है बहुत बड़ी सभा हो रही है इसमें इनको सम्मान मिलेगा इसमें पूरा नहीं आ रहा है पूरा सेंटेंस क्यों नहीं आ रहा अभी देख रहे हैं अभी देख रहे कोई बात नहीं अभी देख रहे बताएं तो लोग सही कर लेंगे जल्दी पेन चला भी आप अगला तैयार
वो गलत नहीं है? नहीं, कहाँ गलत है? वो सर सेकंड लाइन थी फर्स्ट की। अब तो मैंने मिटा दिया, मुझे पता चल गया। सर एक मिनट, कोई इन्होंने गलती की है, ध्यान दो। क्या? अरे मैं के साथ तो शेल ही आएगा। आपने कौन सा ट्राई किया था? इधर वाले मैंने कुछ किया ही नहीं। चलो तुमने अभी कौन सा किया? अभी ये वाला तैयार करो। फर्स्ट वाला तुमने सेकंड किया ना? हाँ फर्स्ट वाला। एक एक बार सारे लोग आ गए कि अभी कोई बचा है? दो दो बार आ। अब पेपर पे करना है। हेल्पिंग और पेपर जा चुका था लिख दिया। सर उधर भी तो गलती है, वो भी तो लिखना पड़ेगा। नहीं वो सब नहीं लिखना। तुमसे गलती हो चुकी है इसलिए सर तुमको इनाम नहीं मिलेगा। कर लो एक बार लेकर। चलो जाओ पेन ले लो, तुम्हारा सही है, जाओ पेन ले लो, आ जाओ। ठीक है, कौन सा तुम करोगी? चलो आ जाओ। फटाफट सर, ये जो सर आओ सर, इसमें छह सेंटेंस छह लिखने हैं। ऐसे ही होगा क्योंकि सब सारे हेल्पिंग वर्ब भी एक एक बनेंगे ना, जिसमें दो हेल्पिंग वर्ब है दो बनाने होंगे। इसमें एक है, उसमें इसमें छह है, नहीं बस दो। चलो कौन आ रहा है? चलो हाँ करो भाई, बनाओ वर्क की। कौन से फॉर्म? वर्क की फॉर्म लिखो, वर्क की यहाँ पे फॉर्म तो लिखो। वो सही लिखा था, उसको भी मिटा दिया। अच्छा ही एस एस लिखा क्या है यहाँ? क्या लिख रहे कभी एस लगाओगे कभी एस अपने मन का करोगे? चलो ऐसा नहीं लगता। हाँ तो एस किसमें लगेगा? ही शी और सिंगुलर में, और हैव वाला भी तो एक बनाना है। हैव किसमें लगाओगे? अच्छा, जितने हेल्पिंग वर्ब है उतने बनाने हैं।
समझ में आई बात कि नहीं? तो तुमको आई के साथ बनाना चाहिए या यू के साथ या बॉयज के साथ? चलो अब तुम लोगों को पेपर दिया जा रहा है, पेपर पे करो सर, सेम करना है। हाँ, अब बोर्ड में नहीं देखना जो ये लोग पता है, अपने आप करना है, यही दोनों करने हैं। दोनों करने ये क्या बोलो? जा रहा है, जा रहा था, जा रहा होगा, जा रहा होगा, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब हो गया इजाजत, तो बना लो ना इजाजत के साथ आई जी लगा के। और जा रहा था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज, सही है, वॉज वर्ब का बना लो, यू वर्ब बोलनी है, आई वॉज बोलनी है, तो बना आई जी, मतलब हेल्पिंग वर्ब किसके साथ बोलनी है पता है? हेल्पिंग वर्ब जा रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल बी, शैल बी, एक होगा तो भी यही ज्यादा होंगे, तो भी सिर्फ आई और बी में, प्लूरल में अभी रुको सर, सब कुछ सही है, जाओ पेन लेना, इनका देखना चलो अरे वो मत दोनों करने हैं, एक ही करना है, दोनों ये लो। इधर मिल गया आपको, यही दो बनाने रिजल्ट पास परफेक्ट, इतना बना लो सर, पहले ऊपर कॉन्टिन्यूअस ऐसे करो, बस ये दो कॉलम छोड़ दो, इतना बना लो, जैसे करो समझ में आना चाहिए बस हमको, आप क्या लिख रहे हो उससे मतलब नहीं, ये सारे कॉलम हो चलो, और वो पेज वन करो सर, दो घंटे से पढ़ रहा था, तो इसमें क्या होता है, समय अवश्य दिया रहता है, लगता है उसी का बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, इस
इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? अच्छा, आई यू और प्लूरल के साथ क्या लगेगा बोलो? जैसे पहले लगता आया और बोलो ही सी सिंगुलर के साथ और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आएगी, जैसे इसमें लगा करती थी वही। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फिर से देखो, जो टाइम है, टाइम अगर फिक्स्ड है और नॉट फिक्स्ड, फिक्स्ड है तो सिंस और नॉट फिक्स्ड है तो, जैसे सिंस 1983 फिक्स्ड है, सिंस 1983। और अगर कहे कि फॉर टू इयर्स, अब दो साल कब से कब तक है पता नहीं, वो दो सौ साल से पढ़ा, फिर मैं दो साल बाद जाऊंगा वो दो साल से पढ़ा, दस साल तो दो साल से पढ़ा, कोई निश्चित समय नहीं दिया ना। तो अगर नव निश्चित हो तो फॉर, अगर फिक्स्ड हो तो सिंस मॉर्निंग, सिंस जनवरी, सिंस। और वो कहते हैं फॉर टू मंथ्स, अब मंथ्स में क्या पता चलेगा, फॉर टू वीक्स, दो हफ्ते से, अरे हफ्ते का नाम बताओ, मंगल, और फॉर टू डेज, फॉर टू आवर्स, अगर ये सब हो तो फॉर लगाना। और ये सिंस जनवरी, सिंस सेकेंड जुलाई, सिंस मॉर्निंग, सिंस संडे, सिंस 2 o'clock। अगर कहें कि देखो अब ये बनाओ, 2 बजे से पढ़ रहा, तो सिंस फॉर लगेगा इसमें कि नहीं? सिंस फॉर लगता है, ध्यान दो प्रियांशु, फिर से बता रहा हूं, सबने जमा कर दिया तो बताएं, जमा करो, ध्यान दो, 2 बजे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसकी हेल्पिंग वर्ब बता, has been, क्या हेल्पिंग वर्ब बताओ, have been, has been, have been किसके साथ लगता है? पूरा बताओ, have been किसके साथ लगता है? Since for होता है, have been पूछा, तुम बता ही नहीं रहे हो कि आई प्लूरल, चीजें छिपाती बहुत हो, पूछा have been किसके साथ लगता, तुम बताना नहीं चाहते, have been किसके साथ लगता है? प्लूरल भी बोलो, has been किसके साथ लगता है? सिंगुलर और ही शी के साथ, सही है। सिंस कब लगता है? सिंस कब लगता है? फॉर कब लगता है? द फिक्स्ड टाइम, द फिक्स्ड टाइम। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? चलो अब ये बताओ कि वह 2 बजे से पढ़ रहा है, एक एक से पूछेंगे, इसमें एक बच्चा है कोई जो बता देगा, सब नहीं बता पाएंगे, दीदी से शुरू करते हैं, वह 2 बजे से पढ़ा, बहुत अच्छा। अब एक कोई सही बता लेगा, आप बोलो, आप बोलो, सही, आप बोलो, He has been study since 2 o'clock. अब अगला फिर से पूछेंगे, अब ध्यान देना, इन्होंने बहुत अच्छा बताया, सिंस भी लगाया और o'clock, बजे का मतलब, इसका मतलब ये समझते हैं घंटा नहीं होता, बजे का मतलब 2 o'clock होता, पूरा पकड़ा है, has been studying
सिंस भी लगाया क्योंकि इनको पता था फिक्स टाइम है टू ओ रॉ. मैं 2 साल से जोधपुर में रह रहा हूँ. इनके बाद का नंबर अब इनका है. से जोधपुर में गौरव बताओ रह रहा हूँ. रुको एक मिनट. रह रहा अब बोलो. I have been living for since two years in Jodhpur. बहुत अच्छा. आप ही बोलो. I have been living in Jodhpur from 2 years. Since कब? I have been living in Jodhpur since 4 years. पूरा बताया. देखो 4 बताया. इसका मतलब है इनका दिमाग पतला है इसका मोटा. क्योंकि 2 साल से तो 2 साल में ये पकड़ लिए कि 4 लगेगा. अब वो लिखा वो नकल भी नहीं कर पा रहा है. तब एक होता है कि नकल भी तो आना चाहिए ना. फिर से बोलो जरा. I have been living in Jodhpur for two years. अच्छा आप देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है. हैड बीन. ध्यान दो उसकी हैड हुआ करती थी. इसमें बीन और लगेगा. वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी. बिल्कुल सही. क्यों ऊपर लिखा है. अच्छा अब बताओ वह 2 बजे. अब फिर से रिद्धि की बारी आई. वह 2 बजे से पढ़ रहा था. यही बना. वह 2 बजे से सब कुछ लिख के दे दिया तुम्हें. कुछ कर बोलो. पैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा था. He had been studying since 2 o'clock. He had since 2 o'clock. अब जरा देखो इसमें सब में had ही लगेगा. इसकी होती है will, have, been, shall, have. Helping word देखो. Will, have been. क्या तुम्हें मालूम है shall have been किसके साथ लगेगा. Shall have been. I was. सिर्फ इन्हीं दोनों के साथ लगेगा और बाकी सभी के साथ ये. और verb की कौन सी form आएगी. First form plus ing. श्रद्धा की बारी आएगी. मैं ध्यान दो. मैं दो साल से जोधपुर में रह रहा होऊंगा. रह रहा होऊंगा. चलो बोलो श्रद्धा. I shall have been living in Jodhpur for two years. इसको नोट करें. I shall have been living in Jodhpur. For 2 years. देखो वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा. वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा. प्रभात बोलिए. सर मैं रुक जाओ. He will have been studying since from 2 o'clock. सही बताया. बहुत तुम बताया. He
he shall have been. बहुत अच्छा गौरव, तुम बताओ. He will have been studying since 2 hours. बहुत अच्छा, आप बताओ. He shall be reading. रुक जाओ, बहुत अच्छा, आप बताओ. Yes sir, he will have been studying since 2 o'clock. एक बार और बताओ, सही बताओ, फिर सबके लिए पता चले. He will have been studying since 2 o'clock. He will have been. सर, इसमें तो होगा लिखा है. Since 2 o'clock तो रहा होगा ही, तो इसका है अभी है. सर फिक्स्ड नहीं है. बोलो. फिक्स्ड नहीं है. फिक्स्ड यहाँ से देखो ना. दो बजे बजे है ना. 2 o'clock वो नहीं होगा. 2 o'clock समझा गया. नहीं चल, ये इतनी बात समझ आ गई. कल इसी का टेस्ट लेंगे. कल सर. कल नहीं, आज नहीं. अभी एक और टेंस कराएंगे. टेंस कराना जरूरी है. इंग्लिश वीक है तो सब में नंबर कटते हैं. हाँ चलो, इतना ही रखो. कौन सा पेपर कल मिलेंगे ना, उसी दिन थोड़ी चेक होते हैं. As I breathe.